इंडिया के मोस्ट रिनाउंड पर्सन रणबीर कपूर, जिमी शेरगिल, अनंत अंबानी, हार्दिक पांडे, परमेश वर्मा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज बिजनेसमैन ओन करते हैं मर्सिडीज की जी वैगन। अपने आप में कार तो एक क्लास है, बट इसका ओरिजिन बर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो वेलकम बैक गाइस, यू आर वॉचिंग द ड्रीम गैरेज। सो आज की वीडियो में वी विल कवर द बर्थ ओरिजिन, कैसे जी वैगन बनी, किसको आइडिया आया, सो सारा कुछ कवर करते हैं। बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। सो जी वैगन का बर्थ हुआ इन 1970 जब शाह ऑफ ईरान, जो कि बहुत बड़े शेयर होल्डर थे मर्सिडीज कंपनी के, उन्होंने सजेस्ट किया मर्सिडीज यू शुड मेक अ मिलिट्री स्टाइल ऑफ रोडिंग व्हीकल जो कि कम्पीट कर पाए टोयोटा लैंड क्रूजर से और जीप से। सो मर्सिडीज ने भी उनका डिसीजन माना एंड स्टार्ट कर दिया वर्किंग ऑन मेकिंग अ जी वैगन। 1973 में फर्स्ट मॉडल डिजाइन हुआ, प्रोटोटाइप मॉडल जो कि वुड का था, एंड देन 1974 में इसका ड्राइवेबल मॉडल रेडी हो गया जो कि फॉर टेस्टिंग था। जर्मन के कोस्ट फील्ड्स फॉरेस्ट में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी, सहारा डेजर्ट में ले गए जी वैगन को एंड देन आर्टिक सर्कल में ले गए, एंड देन मर्सिडीज कॉन्फिडेंट होगी दैट वी आर रेडी टू लॉन्च जी वैगन। नाउ इट वाज अ टाइम टू बिल्ड द फैक्ट्री। मर्सिडीज ने चूज किया ग्रेज इन ऑस्ट्रिया। इन 1979 में पूरी फैक्ट्री सेटअप हुई एंड फर्स्ट मॉडल जो कि लॉन्च हुआ जी वैगन का वाज W460 इन सितंबर 1979 विद 3 इंजन ऑप्शंस एंड 3 स्टाइल्स, 2-डोर कन्वर्टेबल, 2-डोर वैगन एंड 4-डोर वैगन। आर्मी ने 2-डोर कन्वर्टेबल चूज किया बिकॉज इट वॉज वेरी लाइट वेट एंड रगड था पूरा, एंड स्टार्टिंग में ही इसमें 3 लॉकिंग डिफरेंशियल्स आते थे एंड सिविलियंस के लिए ये कार बहुत ही हाइप्ड होगी क्योंकि इसमें पूरी ऑफ रोडिंग कर सकते थे। सो आफ्टर फ्यू मंथ्स इन 1980 वाटिकन सिटी के किंग ने कहा मर्सिडीज आई नीड अ 2-डोर कन्वर्टेबल जी वैगन। सो स्पेशल डिलीवरी हुई, व्हाइट कलर की कार थी एंड उन्होंने पूरी वाटिकन सिटी के राउंड मारने के लिए ये कार ली थी। सो इट वाज लुकिंग वेरी ऑसम एट दैट टाइम। फिर 1981 से थोड़े से फीचर्स एड ऑन होने शुरू हो गए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गया, एसी आ गया एंड 1982 में 230 जी करके एक मॉडल लॉन्च हुआ। 1986 तक 50,000 जी वैगन के मॉडल प्रोड्यूस हो चुके थे। अब हम पहुंच गए 1990 में जब मर्सिडीज ने अपनी 10th एनिवर्सरी मनाई फेसलिफ्ट करके। Yes, 2 models launch किए, 1 was W461 for army, government officials के लिए and civilians के लिए model launch किया W463 जो कि पूरा premium था, जी हाँ। Permanent 4-wheel drive introduce कर दिया, wood frames introduce कर दिए, interior पूरा classy बना दिया, ABS add कर दिया, airbags add कर दिए, cruise control and civilian model add कर दिया। आर्मी वाला बेसिक था, बट सिविलियन था, पूरा लग्जरी ऐड कर दिया एंड सक्सेसफुली 1,00,000 जी वैगन सोल्ड कर दी विद इन 10 ईयर। अब टाइम आ गया ऑफरोडिंग ट्रक को एक नाम देने का। पहले इसको सारे जी मॉडल एंड कई कंट्रीज में तो इसको PUCH पूछ करके ही बुलाते थे, बट अब इतना प्रीमियमनेस ऐड कर दी, लग्जरी ऐड कर दी। सो मर्सिडीज को आ गया कॉन्फिडेंट एंड उन्होंने कहा कि वी शुड नेम इट एज जी क्लास। सो 1994 में इसका नेम रिप्लेस हो गया टू जी क्लास। So now it was a time for the Mercedes to celebrate its 20th anniversary. जी हाँ, 1999 में 20 years complete किए and उन्होंने launch किया V8 engine in G500 Classic. उसके बाद same year में ही G55 AMG launch हुई जिसकी power 354 horsepower and उसका engine 5.5 liter V8 engine था, side exhaust मिले, 0-60 in just 7 seconds. बहुत हैवी वेट थी पर पावर पूरी आ गई थी। 2001 में ऑफिशियली लॉन्च कर दी इन US जी वैगन। उन्होंने कहा, अमेरिकन्स ने कहा कि यार हमें पावर और चाहिए, फिर G55 AMG को अपग्रेड किया टू V8 सुपरचार्ज जो कि प्रोड्यूस करता था 476 हॉर्स पावर 0-60 इन 5.5 सेकंड। सो इट वाज द मोस्ट पावरफुल इंजन। पूरा मर्सिडीज को कॉन्फिडेंस आ गया कि यार जी वैगन हमारी बेस्ट कार है। अब 2013 में इन्होंने 6-wheel ड्राइव जी वैगन लॉन्च की जो कि G63 6x6 नाम से आई विद ट्विन टर्बो V8 इंजन। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत फेमस हुई, ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने इसको अडॉप्ट किया बिकॉज इट वॉज अ वेरी कैपेबल ऑफ रोडर। अब 2018 में हम पहुंच चुके हैं, मर्सिडीज ने लॉन्च किया अपना Maybach एडिशन दैट इज G650। जी हाँ, इसका एक्सटेंडेड व्हील बेस था, हाफ कन्वर्टेबल थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती थी, बट अब इतना कुछ देख लिया, प्राइस क्या है इसका। सो ये कार लॉन्च हुई थी अपनी $800,000 में, काफी एक्सपेंसिव कार थी क्योंकि
ब्रांड बन चुका था एंड ऑफरोडिंग व्हीकल, एंड अब टाइम है पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। सो जी वैगन ने भी कंसेप्ट कार बनानी शुरू कर दी है विद EJQ नेम। 4 मोटर्स होंगी, बट यार इलेक्ट्रिक कार इन जी वैगन, इलेक्ट्रिक मोटर इन जी वैगन, यार मजा ही नहीं आएगा। V8 इंजन, सुपर चार्जर, सारे बाय द टाइम खत्म हो सकते हैं, बट होप फॉर द बेस्ट। बट एक चीज है कि जी वैगन अपने रूट से जुड़ी रही, इसका फर्स्ट मॉडल एंड अब मॉडल में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इज इन द लग्जरी प्रीमियमनेस, इंजन डिजाइन रिमेन्स द सेम। इन इंडिया जी वैगन के 2 मॉडल्स अवेलेबल है। 1 इज G63 AMG, जिसमें हमें 4.0 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2.5 करोड़ अबव ही है। एंड 1 इज G क्लास 350 1.72 करोड़ की ये कार है। सो G63 बहुत सेलिब्रिटीज ने ओन की है, आप भी कमेंट कर सकते हो लिस्ट। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जी वैगन, ओरिजिन ऑफ जी वैगन। अगर आपको भी इसकी और भी कोई स्टोरी पता है, कौन सा मॉडल लॉन्च हुआ था, कब, यू कैन कमेंट इट डाउन। एंड ऑल्सो कमेंट करो कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाए। सो टिल देन, बाय बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल।